हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाईफाई पॉइंट पर, जिसमें कि फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो याद रखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। वहीं फ्रेंड्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवा है हमारा भारत। तो इसे आप याद रखेंगे, ये सभी आपके एग्ज़ाम व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर एम विश्वेश्वरैया। तो याद रखेंगे भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी और ये एक फेमस इंजीनियर थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस भी मनाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। और कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम? तो उस समय मोरारजी देसाई थे जिनके टाइम पर प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। और फ्रेंड्स आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1947 में प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना की गई थी और इसका नाम पहले प्रधानमंत्री सचिवालय था। तो चलिए नेक्स्ट है, हमारा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलतुतमिस थी। तो याद रखेंगे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इलतुतमिस की बेटी थी। और फ्रेंड्स कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो याद रखेंगे भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप इसे याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट है, हमारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। तो याद रखिएगा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। और यह कौन था? तो यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। फ्रेंड्स मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, उसे जाकर आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है, हमारा भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रस्टीशिप। तो याद रखेंगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो ट्रस्टीशिप पर आधारित थी। और गांधीवादी अर्थव्यवस्था क्या थी फ्रेंड्स? तो वो कहती थी कि अमीर लोग अपने उपयोग जितना ही धन अपने पास रखें और बाकी का जो भी उनके पास धन बचता है वो देश के उपयोग में लगा दें। तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेनाब। तो याद रखेंगे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। क्या नाम है फ्रेंड्स? तो चेनाब। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स ब नहीं लिखाया है, तो नाम है चेनाब, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट की उपमा दी जाती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। याद रखेंगे भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की उपमा दी जाती है। और दामोदर नदी को ये उपमा क्यों दी जाती है? तो क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में प्रदूषक पाए जाते हैं जो कि जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं। और दामोदर नदी है फ्रेंड्स तो ये कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है और फिर आगे जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। इसे झारखंड में देवनंद नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि बंगाल का सोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो याद रखेंगे बंगाल का सोक दामोदर नदी को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर है
ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, तो याद रखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है, और इनकी नियुक्ति की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात की गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कौन सा युग्म भारत का सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है, तो हमारा आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों की सीटों का घटते क्रम में सही क्रम है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है और वहाँ पे राज्यसभा सीट कितनी है, तो 31 है, यानी कि 31। तो इसे भी आप याद रखेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत में DNA फिंगरप्रिंट का पिता किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी लालजी सिंह को। तो याद रखेंगे भारत में DNA फिंगरप्रिंट का पिता लालजी सिंह को कहा जाता है, और अगर हम ये कहें कि भारत में DNA फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी, सॉरी DNA फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी, तो आप याद रखेंगे जेम्स वॉटसन ने, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये दोनों नाम, ये दोनों ही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी हडसन नदी के किनारे। तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा शाहजहानामा के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनायत खां। तो याद रखिएगा शाहजहानामा के लेखक का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इनायत खां है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुसंग शाह ने। तो याद रखेंगे मांडू के हिंडोला महल का निर्माण मालवा शासक हुसंग शाह ने करवाया था, और यह मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू में स्थित है, और ये मांडू के हिंडोला महल की जो दीवारें हैं वो हिलती हुई महसूस होती हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, तो हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर एक गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो याद रखेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार, जिसे कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखेंगे ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, और उन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स कभी कभी ये पूछा जाता है कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1934 में लिखी गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखा गया है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष। तो याद रखिएगा लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है, और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सावित्री, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है WBC का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। तो याद रखेंगे WBC का प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत को प्रदान करता है वो, और WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, तो ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है किसने कहा है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी केसी वियर। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है या किसने कहा था, तो केसी वियर ने कहा था। नेक्स्ट है शराब और पानी के मिश्रण से पानी को अलग किया जा सकता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी आसवन। तो याद रखेंगे शराब और पानी के मिश्रण से पानी को अलग किया जा सकता है, तो कौन सी विधि के द्वारा, तो आसवन विधि के द्वारा किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। तो याद रखेंगे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी आप याद रखेंगे एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, तो ये सभी आप याद रखिएगा।
इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा है? फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। आप हमें हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।